हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्या। आइए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये, इंडियन बायोडाइवर्सिटी डाइवर्स लैंडस्केप, चैप्टर 9 शंकर आयस से। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने वाइश आयस को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए, और फिर हमें इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ और लेकर आ पाए, हमारे लिए इनकरेजमेंट का काम करें। फीडबैक कमेंट ज़रूर दीजिए अगर आपको लगता है हम किसी तरह से अपने आप को सुधार सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरह की यूपीएससी इससे रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है या फिर आपको किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, आप वाइस सर को ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9, इंडियन बायोडाइवर्सिटी डाइवर्स लैंडस्केप। तो अब यहाँ पर देखते हैं इंडिया। इंडिया क्या है? एक मेगा डाइवर्स कंट्री है, मतलब इसमें इतनी विविधता है, बहुत ज़्यादा विविधता है, लाइक सबसे ज़्यादा जहाँ पर डाइवर्सिटी है उन ऐसे कंट्रीज़ में से एक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता जिसे कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी, जिसके पिछला चैप्टर हमारा पूरा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर था। तो इंडिया में बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, उससे रिलेटेड, उसी से एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, जो हमारे पारंपरिक तौर पे जो नॉलेज होती है वो नॉलेज भी रखने वाले लोग यहाँ पे हैं, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में जानकारी है। या जो भारत का जो लैंड एरिया है, ठीक है, भूमि की जितनी भूमि है वो इसका पूरे दुनिया में से उसका 2.4% बनता है, लेकिन वहाँ पे इसी इंडिया में जहाँ पे लैंड एरिया सिर्फ 2.4% है, लेकिन यहाँ पे 7%, राइट, 7% है जो वहाँ पूरे दुनिया की रिकॉर्डेड स्पीसीज़ हैं यहाँ पे, और दुनिया की 18% जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो भारत में है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन होने के बावजूद यहाँ पे स्पीसीज़ की जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और भूमि उस हिसाब से तो कम है, यहाँ पे ये बता रहे हैं स्पीसीज़ रिचनेस, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी विविधता है, यहाँ पे कितना मतलब धनी, मतलब कितनी ज़्यादा है यहाँ पे स्पीसीज़, वो देख लेते हैं, उसके बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं। तो इंडिया का नंबर 7 आता है, 7th रैंक आती है, यहाँ पे इतनी सारी मैमल्स की स्पीसीज़ है, ठीक है। उसके बाद रेप्टाइल्स में यहाँ पे कितनी विविधता है, उसमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स, ठीक है, पंछी और जो रेंग कर चलते हैं रेप्टाइल्स, जैसे सांप, छिपकली, राइट, उन्हें रेप्टाइल्स कहते हैं, और ये सब हम बहुत डिटेल में आगे देखने भी वाले हैं। तो उसमें भारत का स्थान नंबर 9वें नंबर पर आता है, और फिर इसी तरह से बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस, टोपोग्राफी, राइट, आप ये सब जानते होंगे। तो इन कंडीशंस के वजह से, और एडैफिक कंडीशंस, तो इन कंडीशंस के वजह से क्या है कि जो यहाँ की इको सिस्टम है वो इस तरह से बन चुकी है, बहुत डाइवर्स हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पे फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल यहाँ पे फॉरेस्ट भी हैं, यहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं, वेटलैंड्स हैं, कोस्टल है, मराइन इको सिस्टम है, डेजर्ट है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसी वजह से जैव विविधता है। और इन सब के बारे में, वेटलैंड्स, कोस्टल मराइन इको सिस्टम के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ग्रासलैंड्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, फॉरेस्ट के बारे में भी हम पिछले पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। तो इंडिया क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इंडिया में दो रेल्म हैं, ठीक है, रेल्म क्या होता है देखेंगे। तो इंडिया में क्या है, दो तरह के रेल्म्स हैं, ठीक है, और 5 तरह के बायोम्स हैं, 10 तरह के बायो जियोग्राफिक जोन्स हैं, और फिर 25 बायो जियोग्राफिक प्रोविंसेस हैं। तो अब इन्हें इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। तो बायो जियोग्राफिक रेल्म्स ये क्या होते हैं? ये लार्ज स्पेशल रीजन्स, मतलब ये काफ़ी बड़े बड़े रीजन्स होते हैं, एरियाज़ होते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, सिमिलर बायोटा होता है, ठीक है, जो वहाँ पे जो बायो बायोम ये सब है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, मतलब वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये सब है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, और ऐसे जो बायोटा है वाले हैं वो इकोसिस्टम को शेयर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बायो जियोग्राफिक रेल्म। अब ये रेल्म क्या होता है, रेल्म एक कॉन्टिनेंट, मतलब एक द्वीप के साइज़ का, या तो एक द्वीप यानी कॉन्टिनेंट मतलब एक द्वीप, या फिर सब कॉन्टिनेंट यानी छोटा सा कोई कॉन्टिनेंट, राइट, उसके साइज़ का होता है। उनकी जो ज्योग्राफी होती है और वहाँ पे जो पेड़ पौधे रहते हैं और जानवर, फौना क्या होता है, जानवर जो होते हैं, राइट, और फ्लोरा क्या होता है, मैंने बताया था, जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे, वनस्पति ये सब होती है, तो उस हिसाब से उनकी ज्योग्राफी, उनकी फ्लोरा फौना वो लगभग सेम जैसे होते हैं, मतलब मिलते जुलते हैं, यूनिफाइंग फीचर्स होते हैं, तो उन्हें रेल्म कहते हैं। तो अब इंडिया के दो रेल्म्स हैं, राइट, तो
तो यहाँ पे देखिए एक एक करके समझाया गया, पिछले साइड में पहले मतलब कितने डिविजन्स हैं, मतलब क्या क्या है बताया था, अब यहाँ पे कौन कौन से रेल्म्स हैं, क्या क्या है, अब रेल्स क्या क्या है वो सब समझाया कि बायोजियोग्राफिक रेल्म क्या होता है, राइट। तो वो एक बहुत स्पेशल एरिया होता है वहाँ पे, मतलब उनका जो बायोटा है वो मिलता जुलता है, वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, वहाँ एनिमल्स होते हैं, उनकी ज्योग्राफी सब ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। और फिर रेल्म एक्चुअली में क्या है, एक रेल्म क्या होता है, वो एक कॉन्टिनेंट के साइज़ का होता है, सब कॉन्टिनेंट के साइज़ का होता है, वहीं उनकी ज्योग्राफी लगभग सेम होती है, फ्लोरा फौना सेम होता है। तो इस पर कन्फ्यूज़ होने वाली बात कुछ भी नहीं है, देखिए और समझ जाइए, राइट। उसके बाद अब देखते हैं जो ये दो रेल्म्स हैं कौन कौन से, वो दो रेल्म हैं जो इंडियन रीजन में पाए जाते हैं, राइट। तो ये देखते हैं, पहला है हिमालयन रीजन, इसे पेलियो आर्कटिक रेल्म कहते हैं, और जो बाकी बचा है वो सब कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है वो है मलयन रेल्म, राइट। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेल्म्स यहाँ पे बताए गए हैं, तो इतने सारे यहाँ पे रेल्म हैं वो मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड। अब आगे देखते हैं, तो 8 टेरेस्ट्रियल बायोजियोग्राफिक रेल्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमने जैसे देखा था इसमें, इन्हीं को यहाँ पे बताया गया, पढ़ देती हूँ। नियार्टिक रेल्म, पेलियार्टिक रेल्म, तो ये तो इंडिया में है। फिर अफ्रीको ट्रॉपिकल रेल्म, इंडो मलयन रेल्म, ये भी इंडिया में है। फिर ओशियाना रेल्म, फिर ऑस्ट्रेलियन रेल्म, अंटार्कटिक रेल्म, और फिर नियो ट्रॉपिकल रेल्म। तो यहाँ पे अब इनकी ज्योग्राफी, अब लोकेशन भी आप यहाँ पे बाद में देख सकते हैं, ओके। नाम तो मैंने बता दिए, अब आगे देखते हैं, हमें कंसर्न है इंडिया से, तो अब इंडिया के बायोम्स के बारे में देखते हैं। तो बायोम क्या है, यहाँ पे ये भी डिफाइन किया हुआ है, फिर से रिपीट किया गया है यहाँ पे, इस बुक में पहले भी रिपीट हो चुका है काफ़ी बार। तो बायोम क्या होता है, एक ऐसा टर्म जहाँ पे मेन ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन एरिया और सर्टेन क्लाइमेटिक पैटर्न्स। तो जो जहाँ पे जो एनिमल्स हैं वहाँ के, जो मेनली मुख्यतः पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो उस जगह पे रहते हैं, मतलब एक सर्टेन क्लाइमेट जहाँ पे वहाँ पे वो अडेप्ट कर सकते हैं वो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एनिमल्स, वेजिटेशन, वनस्पति, सॉइल, ये सब आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें अडेप्ट करना होता है। और हमने देखा था कि हर एक जो स्पीसीज़ होती है, कितनी भी छोटी हो कितनी बड़ी भी हो, लेकिन वो सिग्निफिकेंट होती है, उसका कुछ महत्व होता है, वो इंटरेक्ट करते रहते हैं, उनका असर ज़रूर पड़ता है बायोम पे, राइट। ये छोटी मोटी चीज़ें हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में देखी थी, तो इसी तरह से बताए गए। तो जो प्लांट्स और एनिमल वहाँ पर रहते हैं, तो उस एनवायरमेंट वो अडेप्ट हो चुके होते हैं, इसलिए वो वहाँ पर रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। अब देखिए, 5 बायोम्स दिए गए हैं इंडिया में। तो पहला है ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिकल ड्राई और डेसिडुअस फॉरेस्ट, उसमें मानसून फॉरेस्ट आता है, फिर वार्म डेजर्ट्स और सेमी डेजर्ट्स, फिर कॉनिफरस फॉरेस्ट, अल्पाइन मेडोस, ठीक है। तो अब ये जो जोन्स हैं इन्हें दिया गया है, ट्रांस हिमालयन, उसके बाद हिमालयन, उसके बाद डेजर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डेजर्ट, उसके बाद सेमी एरिड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एरिया हो गया, उसके बाद वेस्टर्न घाट्स, राइट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेस्टर्न घाट्स हो गए, उसके बाद आप देखिए डेकन पेनिनसुला, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया है डेकन पेनिनसुला, उसके बाद फिर क्या आता है, गैंजेटिक प्लेन्स, राइट, नंबर 7 पे यहाँ पे जो गैंजेटिक प्लेन्स हैं, उसके बाद कोस्ट, मतलब तटीय इलाके, कोस्ट कहाँ कहाँ पे हो गए, 8वें नंबर पे जो ये कोस्ट हो गए, यहाँ पे देखिए कोस्ट है ये पूरा, उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया है, राइट, 9 नंबर पे देखिए आप देख सकते हैं, ये तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया। फिर उसके बाद आइलैंड्स, जैसे ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये सब हो गए, राइट। तो ये हमारे बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं ये, राइट। तो ये जो बायोजियोग्राफी है वो किस चीज़ से डील करता है, ये करता है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो एनिमल्स हैं, हमने देखा हमारे पास डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी क्यों है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो उसे जानने के लिए जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हमने देखा रहते हैं किसी जगह में, वो उन्हें बायोम कहते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं अपने बायोम से, राइट। तो इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो अब वो उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, क्योंकि वो अडाप्ट कर पाते हैं तो उस जगह में रहते हैं, तो फिर इसी हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिसे जो क्लाइमेट सेट हो गया, सूट कर गया, वो वहाँ पे रहना शुरू कर देता है, राइट। तो उसी को वो जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से वो होता है, उसे बायोजियोग्राफी कहते हैं। तो अब इसी तरह से 10 बायोजियोग्राफी जोन्स हैं, राइट, इंडिया में। हम उन्हें देख लेते हैं, पहला ट्रांस हिमालयन, जिसमें जो क्या है, एक जो तिब्बतन प्लेट्यू है उसका ये एक एक्सटेंशन है, उसे ही वो आगे बढ़ा हुआ है, राइट। तो फिर
उसमें हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट, तो लद्दाख में हमें पता है वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट्स है और वहाँ पे जो ऊंचाई है हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, वो काफ़ी ज़्यादा है। और कौन सा रीज़न आता है, हम हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति रीजन, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंट्री का, इस जो भारत देश का 5.7% वहाँ पे जो क्या है लैंड मास है, भूमि है वहाँ पे, जो इंडिया का 5.7% वहाँ पे है। फिर आता है हमारे हिमालयस, तो जो पूरा जो माउंटेन चेन है राइट, हिमालयस हमें पता है कहाँ से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड होता है, तो नॉर्थ वेस्टर्न से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये पूरे जो माउंटेन की एक चेन निकल चल पड़ती है राइट। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, वहाँ पे बहुत सारे बायोम्स हैं, और यहाँ पे 7.2% जो कंट्री का लैंड मास है वो यहाँ पे है, भारत की भूमि की 7.2% वहाँ पे है राइट। फिर आता है डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो वेस्ट ए वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स है, ठीक है, अरावली हमें पता है कहाँ किस तरफ है, वेस्टर्न साइड से, तो अरावली के जो वेस्ट से लेकर क्या होता है जो गुजरात के जो सॉल्टी डेजर्ट्स होते हैं वहाँ तक, और फिर बाद में सैंड डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, तो इस तरह से इसका एक्सटेंशन दिया हुआ है, आपको विजुअलाइज़ करने में आसानी होगी। अरावली हिल रेंज आपका काम है, जैसे मैं जब ये पढ़ा रही होती हूँ आपके साथ मैप होना चाहिए ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे, अगर आपको ऐसा पता है बहुत अच्छी बात है आपको रटा हुआ है, नहीं तो एक बार देख लेने में अच्छा देख लेना अच्छा होता है। तो यहाँ पे कंट्री का 6.9% लैंड मास है राइट। अब आगे देखते हैं, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं कितना परसेंट है, ये एक रफ़ आइडिया देने के लिए कि इतना इतना परसेंट होता है, तो ये आइडिया लग जाता है इससे कि ठीक है वहाँ पर कितनी बड़ी भूमि है, कितना ज़्यादा जगह है। फिर आता है सेमी एरिड रीजन राइट, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डेजर्ट से लेकर, ये जो डेजर्ट है वहाँ से लेकर डेकन प्लेटू तक राइट, वहाँ तक ये होता है, तो इसमें अरावली हिल रेंज भी आ जाता है, और फिर कितना परसेंट है 5.6। अब सेमी एरिड का मतलब ऐसा होता है कि जहाँ पे बारिश ठीक ठाक पड़ती है, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है, सेमी एरिड रीजन बोलते हैं उसे राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन, ठीक है। उसके बाद फिर आता है वेस्टर्न घाट्स, तो ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो हिल रेंजेस हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्या कहते हैं पहाड़ हैं, ठीक है, तो हिल रेंजेस हैं और प्लेन्स भी हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए वेस्टर्न जो कोस्ट लाइन है, दिखाया था मैंने वेस्टर्न जो कोस्ट लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन यहाँ पर दिख रही है आपको राइट, ये तो यहाँ से एक्सटेंड होता है, यहाँ से निकलता है, और जो ताप्ती रिवर है उसके साउथ से निकलता है, और ये बहुत डाइवर्स रेंज होती है इसकी, और वहाँ पे काफ़ी सारे, और ये इतनी सारी डाइवर्सिटी की वजह से वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। कंट्री लैंड मास कितना है 5.8%, तो यहाँ पे एक तरह से ज्योग्राफी इसलिए बता रहा है क्योंकि वहाँ क्योंकि हमें पता है ज्योग्राफी से इसका कैसा कैसा मतलब डायरेक्ट रिलेशन है राइट। तो इस हिसाब से ये इसे इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि टोपोग्राफी और बहुत सारे क्लाइमेट कंडीशंस जो मैंने पहले बताया था उन पे ही तो डिपेंड करता है कि वहाँ का फ्लोरा फौना कैसा होगा, वहाँ पे कितनी ज़्यादा स्पीसीज़ रिचनेस होगी या फिर कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी वहाँ पे राइट। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर आता है डेक्कन पेनिनसुला, तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया है, तो लार्जेस्ट ऑफ द जोन्स, तो ये इन जोन्स में से सबसे बड़ा एरिया है। तो यहाँ पर सदर्न का जो साउथ का और फिर सदर्न सेंट्रल प्लेटू इसमें पूरा आ जाता है राइट। और इसमें मोस्टली डेसिडुअस वेजिटेशन होती है, जो वनस्पति होती है वो डेसिडुअस होती है, और ये इसमें 4.3% कंट्री लैंड मास होता है। फिर आता है गैंजेटिक प्लेन, ये काफ़ी उपजाऊ ज़मीन होती है, तो गैंजेटिक प्लेन्स मतलब ये गंगा रिवर होता है उससे इसे डिफाइन किया गया हुआ है, और ये जो प्लेन होते हैं ये मतलब जो भूमि होती है वो धरातल होती है, एकदम धरातल कहते हैं, एकदम प्लेन होती है, इसलिए उसे गैंजेटिक प्लेन कहते हैं राइट। तो ये पूरी तरह से होमोजेनस होती है, एक ही जैसी होती है क्योंकि प्लेन होती है, वहाँ उबड़ खाबड़ नहीं होता, मतलब टोपोग्राफी इसकी ऐसे सीधी है, प्लेन है, ये एकदम उबड़ खाबड़ नहीं है राइट। तो यहाँ पर 11% कंट्री का लैंड मास है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडो गैंजेटिक प्लेन। उसके बाद आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन राइट, उत्तर पूर्वी भाग, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये जो प्लेन्स है और नॉन हिमालयन हिल रेंजेस हैं यहाँ पे, और पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन है और बहुत अलग अलग तरह की वेजिटेशन है, और यहाँ पे कंट्री का 5.2% लैंड मास है। उसके बाद देखते हैं आइलैंड्स, जो द्वीप होते हैं छोटे छोटे, तो इसमें आता है हमारा अंडमान निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत सारे बायोम्स हैं वहाँ पे राइट। तो कंट्री का लैंड मास ऑब्वियसली काफ़ी कम है,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से काफ़ी धनी है, काफ़ी रिच है ये एरिया। उसके बाद आते हैं कोस्ट, तटीय इलाके। तो यहाँ पे इंडिया में हमें पता है बहुत लंबी कोस्ट लाइन है हमारी, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक हमारी ये डिस्ट्रीब्यूटेड है बहुत सारे। और इनमें भी दो डिफरेंसेस हैं, इसमें भी मतलब आते हैं, फिर इसमें लक्षद्वीप आइलैंड भी आ जाता है और राइट इन आर इंक्लूडेड इन दिस विथ परसेंटेज एरिया। मतलब उसका एरिया तो बहुत कम है लेकिन लक्षद्वीप लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी इतनी क्या बोलते हैं धनी है, बहुत वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है राइट। तो फिर अब आगे देखते हैं जो बायो जियोग्राफी है उसे और कुछ ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है राइट। वो क्या है? फाइटो जियोग्राफी। तो ये फाइटो का नाम मतलब ही जब आता है, जो फाइटो आता है आपको समझ जाना चाहिए प्लांट से रिलेटेड, तो प्लांट से रिलेटेड जियोग्राफी राइट। तो उनके ओरिजिन वो मतलब किस तरह से आए, उनको कहाँ से हुए उनका ओरिजिन, फिर वो फैले किस तरह से, कहाँ कहाँ वो बटे हुए हैं, कहाँ कहाँ फैले हुए हैं डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उनका इन्वायरमेंट से इंटर रिलेशनशिप और दूसरे प्लांट से कैसा है, कैसा रिलेशनशिप है, उस पर स्टडी होती है राइट। और जू जियोग्राफी, तो ये क्या है, जो एनिमल्स है एक दूसरी एक से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं राइट, पलायन करते हैं, कुछ बर्ड्स माइग्रेट कर जाते हैं, इसी तरह से जो मोस्टली बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, तो माइग्रेशन हो गया और उनका डिस्ट्रीब्यूशन एनिमल्स कहाँ कहाँ फैले हुए उससे ये डील करता है, जो क्या है ये जू जियोग्राफी, फाइटो जियोग्राफी एंड जू जियोग्राफी। जू मतलब एनिमल्स और फाइटो मतलब प्लांट्स। तो अब ये देखते हैं बायो जियोग्राफिक प्रोविंसेस, ठीक है। तो बायो जियोग्राफिक प्रोविंसेस ऐसा इकोसिस्टमिक या बायोटिक सब डिविजन है राइट। तो ऐसा मतलब इकोसिस्टम का एक डिवीजन बनाया हुआ है, मतलब क्लासिफाई करने के लिए, ताकि हमें समझने में आसानी हो, इसलिए इसे इस तरह से बांटा गया है। जैसे हमने स्टेट्स को बांट रखा है राइट, उन्हें प्रोविंसेस कहते हैं, तो ताकि उन्हें एडमिनिस्टर अच्छी तरह से कर सके, उन्हें बांट के रखा हुआ है, फिर उनकी लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है राइट। तो क्योंकि उन्हें बांटने से क्या है, हमें एक आसानी हो जाती है, तो उसी तरह से इंडिया को 25 बायो जियोग्राफिक जोन्स में बांटा गया है। तो ये जो बायो जियोग्राफिक क्लासिफिकेशन है उसे किसने किया था? रॉजर्स और पनवर 1988 में, ठीक है। तो उन्होंने 10 बायो जियोग्राफिक जोन्स को डिस्क्राइब किया था और उन्हें फर्दर 25 बायो जियोग्राफिक प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जोन्स हैं जैसे सदर्न जोन हो गया हमारा, ईस्टर्न जोन हो गया, वेस्टर्न जोन हो गया, तो वो जोन्स होते हैं वहाँ पे, जैसे महाराष्ट्र, वेस्टर्न में महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब आ जाता है, हमारे साउथ में ये जो साउथ की कंट्रीज आ जाते हैं, उसी तरह से उन्हीं जोन्स को यहाँ पे बायो जियोग्राफिक जोन्स को डिवाइड किया गया और उन्हें फिर फर्दर डिवाइड किया गया राइट। तो फिर ये क्लासिफिकेशन किया गया था, उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया था, जैसे एल्टीट्यूड हो गया मतलब हाइट हो गया, वहाँ पे मॉइस्चर, वहाँ पे ह्यूमिडिटी है सबको, वहाँ पे पानी के जो हवा में पानी की मात्रा होती है राइट, वो उसके हिसाब से। उसके बाद टोपोग्राफी, वहाँ की ज़मीन कैसी है, उबड़ खाबड़ है या हिली एरिया है या फिर प्लेन्स है, समतल ज़मीन है या फिर, और फिर बाद में रेनफॉल, वहाँ पर बारिश कैसी होती है राइट। फिर बायो जियोग्राफिक जोन्स होते हैं वर यूज्ड एज अ बेसिस फॉर प्लानिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो जो वाइल्ड लाइफ ये सब के लिए जो कदम उठाए जाते हैं उनके, मैंने बोला था ना जैसे एडमिनिस्टर करने में आसानी हो जाती है उन्हें अगर बांट दिया जाए वहाँ पे, तो उसी तरह से यहाँ पे जो प्लानिंग करनी होती है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन के लिए, तो उसे उस प्लानिंग में इन ऐसे जोन में अगर बांट दिया जाए तो आसानी हो जाती है, तो इसलिए किया गया था। अब देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है गाइज, तो आप लोग ज़रूर देखिए और इन्हें इसे रिवाइज करने में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आप ये सब टेबलर फॉर्म में हैं तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आपको जल्दी से रिवाइज करने में मतलब इजी हो जाएगा और आपको ये याद होना चाहिए राइट। तो अब देखते हैं जो जोन्स हैं और उसी के साथ और 25 प्रोविंसेस राइट। तो पहले ट्रांस हिमालयन में क्या क्या आ जाता है, हमारा हिमालय आ जाता है, लद्दाख के जो माउंटेन्स आ जाते हैं राइट। उसके बाद फिर 1B, 1A में तो हिमालय लद्दाख माउंटेन्स, फिर 1B में हिमालय में तिब्बतन प्लेट्यू आ जाता है, और 1C में क्या आता है, सिक्किम आ जाता है राइट। तो ये ट्रांस हिमालयाज में आ गया। अब आते हैं हिमालय पे, हिमालय पे क्या सेकेंड है हिमालय, यहाँ पर ट्रांस हिमालय था, अब ये हिमालय आ गया। तो हिमालय में क्या आ जाता है, नॉर्थ वेस्ट हिमालय 2A, फिर बाद में आता है वेस्ट हिमालय, उसके बाद सेंट्रल हिमालय, और उसके बाद ईस्ट हिमालय, फिर आता है इंडियन डेजर्ट पे। तो यहाँ पे थार डेजर्ट है, उसके बाद कच्छ डेजर्ट है राइट। तो हमें पता है कहाँ कहाँ पे, राजस्थान में हो गया और ये गुजरात में हो गया। उसके बाद सेमी एरिड, तो सेमी एरिड में जैसे पंजाब के प्लेन्स हो जाते हैं, और फिर सेमी एरिड में गुजरात और राजपुताना ये आ जाता है। फिर बाद में वेस्टर्न घाट्स में आपके आते हैं मलबार प्लेन्स, और फिर 5B में क्या आता है, वेस्टर्न घाट माउंटेंस। ओके,
फिर डेक्कन पेनिनसुला में यहाँ देख लेते हैं, डेक्कन पेनिनसुला में ये बहुत ज़रूरी है, डेक्कन पेनिनसुला में 6A में क्या आता है, सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड्स, उसके बाद फिर छोटा नागपुर, उसके बाद आता है ईस्टर्न हाईलैंड्स, फिर आता है सेंट्रल प्लेटो, और उसके बाद डेक्कन साउथ 6E में, फिर गैंजेटिक प्लेन्स जैसे मैंने बताया था, गैंजेटिक प्लेन्स में तो अपर गैंजेटिक प्लेन्स और फिर लोअर गैंजेटिक प्लेन्स, फिर आते हैं कोस्ट पर, जो तटीय इलाके पर वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट और लक्षद्वीप, राइट, उसे अलग से रखा गया है। फिर आता है नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है, ब्रह्मपुत्र वैली, राइट, जो आसाम ये सब साइड में पड़ता है, और फिर नॉर्थ ईस्ट हिल्स जो पहाड़ हैं। फिर आते हैं आइलैंड्स में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, राइट, अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स। अब आगे देखते हैं, क्या आप जानते हैं जो जो हाथी होता है उसके ऊपर जो झुर्रियाँ होती है, रिंकल्स जिसे कहते हैं, झुर्रियों को रिंकल्स कहते हैं, तो उससे क्या होता है, जो उसका बॉडी टेम्परेचर है वो कम होता है, जितने ज़्यादा जो रिंकल्स होते हैं, ये झुर्रियाँ होते हैं, वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, तो उससे जो स्किन होती है वो क्या होता है, ज़्यादा देर तक मतलब वो ज़्यादा जब वो नहाते हैं पानी में तो उसकी ज़्यादा स्किन, उसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा भीगता है, ज़्यादा भीगने की वजह से फिर वो मॉइस्चर को अपने अंदर जो उनमें क्रैक्स होते हैं उनमें अपने आप को इनको मॉइस्चर को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, यानी पकड़ लेता है। तो एक जिसमें एक ऐसा एलिफेंट, एक ऐसा हाथी जिसमें ज़्यादा झुर्रियाँ हैं वो ज़्यादा ठंडा रहता है, अगर जिसकी स्मूथ स्किन है वो कम ठंडा रहता है। अब हम आते हैं फौना, राइट, एनिमल किंगडम के बारे में जानते हैं, ये एक तरह से बायोलॉजी क्लास ही समझ लीजिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर, राइट, तो देख लेते हैं, तो इसके साथ आपकी बायोलॉजी की भी मतलब रिवीजन हो जाएगी। तो एनिमल किंगडम पे आते हैं, तो इन्हें में ब्रॉडली दो कैटेगरीज में बांटा गया है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में आते हैं फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, हम आगे देखेंगे इन सब के बारे में। इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं एनलिड्स, मोलस्क, ऑर्थोपॉड्स, एराकनिड्स, एक्नोडर्म्स और प्रोटोजोआ। तो चलिए अब डिटेल में देखते हैं, तो पहले देखते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में का मतलब सीधा सिंपल ये मतलब होता है जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है और स्पाइनल कॉलम होता है, राइट, उनमें रीढ़ की हड्डी होती है इस तरह से, तो उन्हें कहते हैं वर्टिब्रेट्स। फिर बाद में वर्टिब्रेट्स सबसे ज़्यादा एडवांस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम भी वर्टिब्रेट्स से हमारी रीढ़ की हड्डी, हम अपराइट खड़े हो सकते हैं, तो हम एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। उसके बाद फिर क्या होता है, ऑल दो वर्टिब्रेट्स वैसे तो कम परसेंटेज में होते हैं कंपैरेटिवली, मतलब कंपेयर करें इनवर्टिब्रेट से हमारी जो परसेंटेज है, हमारी जो तादाद है वो कम है, राइट, लेकिन राइट ऑल एनिमल्स, लेकिन उनके साइज़ ये सब के वजह से क्या है, वो जिस तरह से अपने आप को हिला सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप को आराम से हिल सकते हैं, राइट, इसी वजह से, तो इस वजह से क्या है, हम डोमिनेट कर जाते हैं पूरे इन्वायरमेंट में, राइट। तो देख लीजिए कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे दिए गए, फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स, एनिमल्स, मैमल्स, हम जिनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। अब आते हैं हम इनको डिटेल में देखते हैं एक एक चीज़ों को, मतलब एक एक क्लास को। पहला है फिशेस। फिशेस क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, राइट, तो कोल्ड ब्लडेड आपको पता ही होगा, तो फिर जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते, हम इंसान अंदर से होम्योस्टेसिस से अपने बॉडी टेम्परेचर को हम मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन वो जो फिशेस हैं, मछलियां हैं, वो नहीं कर सकती, वो पानी में रहती हैं, राइट, और वो किससे, अपने गिल्स यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होता है यहाँ पे, उनसे वो सांस लेती है, लंग से, फेफड़ों से सांस नहीं लेती हैं, इनके पास नहीं होते, मतलब अपने लंग से ये सांस नहीं लेती हैं। उनके ऊपर स्केल्स और फिन्स जो यहाँ पे ये है, इसे स्केल्स कहते हैं, राइट, और वो अंडे देते हैं, राइट, बच्चे नहीं पैदा करते सीधा, वो अंडे देते हैं। फिर आता है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब ये होता है जो दोनों पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। अब देखते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वो भी हमारी तरह वार्म ब्लडेड नहीं होता, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। लैंड और वाटर, यही सबसे डिफाइनिंग मतलब इसका फीचर है। एम्फीबियंस का मतलब ही यही होता है जो लैंड और वाटर में रह सकता है। फिर वेब फीट, उनके पैर इस तरह से फैले होते हैं, आपने मेंढक देखा होगा, उसके पैर किस तरह से फैले होते हैं, राइट, तो वेब फीट होता है, ये एक फीचर है। और फिर वो ब्रीथ विद लंग्स एंड गिल्स, दोनों से, लंग्स और गिल्स दोनों से सांस लेते हैं। उनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, गीली होती है, स्मूथ होती है, मॉइस्ट स्मूथ स्किन होती है, राइट। उसके बाद चार पैर होते हैं मोस्टली, कभी कभी नहीं भी होते, और वो अंडे देते हैं। तो आप एम्फीबियंस को याद रखें, आप हमेशा मेंढक को या फ्रॉग को याद रखिए, राइट, तो ये कुछ दिए हुए हैं। उसके बाद आते हैं रेप्टाइल्स, जो रेंग कर चलते हैं, ठीक है, तो फिर इनमें भी, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनके ऊपर स्केल्स होते हैं, जैसे आप सांप देख सकते हैं, सांप के ऊपर एक बहुत उसकी जो चमड़ी होती है
वो राइट उसे स्केल्स कहते हैं, वो स्केल होता है उसके ऊपर, उसके बाद उसकी स्किन काफ़ी ड्राई होती है, वो भी अंडे देते हैं और उनमें कान नहीं होते, ईयर होल्स होते हैं, ठीक है ये याद रखना है। और उसके बाद इनके चार या फिर कभी कभी लेग नहीं होते हैं, तो जैसे कि सांप आप याद रख सकते हैं रेप्टाइल्स के लिए और छिप के लिए याद रख सकते हैं। फिर आ गया एव्स, एव्स मतलब पंछी बर्ड्स, तो ये लेकिन वार्म ब्लडेड होते हैं जो एव्स होते हैं, इनके पंख होते हैं या फिर फेदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, ये अंडे देते हैं, इनके दो पैर होते हैं और इनके ईयर होल्स होते हैं, कान नहीं होते ईयर होल्स होते हैं। फिर आते हैं मैमल्स, मैमल्स मतलब स्तनधारी, जैसे कि हम इंसान होते हैं कुत्ते बिल्ली राइट, तो फिर ये एनिमल्स होते हैं सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। अभी तक हमने जितना भी देखा था हमने देखा था कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते थे, वो कोल्ड ब्लड थे, लेकिन मैमल्स क्या होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, उनके ऊपर हेयर या फिर फन फर होता है, जैसे कि आपने कुत्ते बिल्ली को देखा होगा, इवन इंसानों के ऊपर भी बाल होते हैं राइट। वो बच्चे पैदा करते हैं सीधा सीधा, वो अंडे नहीं देते हैं, लेकिन एक दो एक्सेप्शंस हैं, आपको ज़रूर देखना है, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना है कि कौन सा मैमल अंडे देता है राइट। फिर देखते हैं मैमल्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इसीलिए उन्हें हिंदी में स्तनधारी कहते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। फिर ये लंग्स से फेफड़ों से सांस लेते हैं राइट, और जो मैमल्स होते हैं वो उनके मोस्टली या तो चार पैर होते हैं, दो पैर होते हैं, और उनके कान निकले हुए होते हैं, बाहर होते हैं राइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कान निकले हुए हैं, ईयर होल्स नहीं होते हैं। फिर अब हम आते हैं, हमने वर्टिब्रेट कंप्लीट कर लिया, अब हम आते हैं इनवर्टिब्रेट्स पे। अब इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या हो गया, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उल्टा हो गया राइट, तो इनवर्टिब्रेट उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, 98% एनिमल स्पीसीज राइट, ये याद रखना है, तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ठीक है। तो फिर उनके क्या होता है एक्सटर्नल, उनमें इंटरनल स्केलेटल नहीं होता, मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी अंदर बनी होती है इस तरह से, वो इनमें प्रेजेंट नहीं होती है। बहुत सारे जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें फ्लूइड फिल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन राइट, यहाँ पे देखिए मतलब उसमें पानी भरा होता है इस तरह की कुछ राइट, इस तरह का कुछ उनका स्ट्रक्चर होता है, जो हड्डियों का जो ढांचा होता है उसमें एक्चुअली वो हड्डी नहीं होता, उसमें कुछ तरह के एक तरह के मतलब पानी ये सब भरा होता है, फ्लूइड होता है राइट। फिर बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं जेली फिश हो गए और कुछ कीड़े हो गए वॉर्म्स मतलब राइट, और उनका जो आउटर शेल होता है किसी किसी में उनका जो आउटर शेल है काफ़ी हार्ड होता है, जैसे कि जो इंसेक्ट्स हो गए कीड़े मकोड़े हो गए उनके ऊपर का जो शेल होता है जैसे कॉकरोच वो हार्ड होता है। फिर क्रस्टेशंस हो गए, अब इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं अच्छी तरह से, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, एक पिक्चर आपके दिमाग में बैठ जाए, और ये काफ़ी मतलब फेमस एग्जाम्पल्स हैं या आप याद रख सकते हैं, तो यही दिया हुआ है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ, एनलिड्स, मोलस्क, एराकनिड्स, क्रस्टेशंस, इंसेक्ट्स और एक्नोडर्म्स। तो अब स्टार्ट करते हैं एनिलिड्स से, तो एनिलिड्स की क्या होती है, उनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है राइट, कुछ उनके सेगमेंट्स होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये सेगमेंट्स हो गए राइट, इस तरह से वो डिवाइडेड होती है उनकी बॉडी, तो उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से वेल डेवलप्ड होते हैं, और ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं एनिलिड्स, उनके हाथ पैर नहीं होते, लिम्स नहीं होते, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनके हाथ अलग से पैर अलग से निकले हुए नहीं हैं। एग्जांपल्स यहाँ पे अर्थ वर्म्स, नीचे जो जोंक होती है ना जोंक राइट, जहाँ पे ज़्यादा बारिश ऐसा होती है तो आप देखते हैं कि ऐसे जोंक निकला के आ जाता है, और जो स्किन में भी चला जाता है, खून चूसता है राइट, राउंड वर्म्स आते हैं, अर्थ वर्म्स ये सब तो वहाँ पे पाए जाते हैं। फिर आते हैं मोलस्क, अब ठीक है तो मोलस्क के देखें आप डायग्राम ज़रूर देखिए ताकि आपको एक मेंटल पिक्चर बैठ जाए और आपको याद रह जाए राइट, क्योंकि बोलने से ज़्यादा विजुअल राइट, विजुअली लोग ज़्यादा याद रख पाते हैं, तो फिर इसलिए मोलस्क जो होते हैं उनकी एक्चुअली स्किन बहुत सॉफ्ट होती है अंदर की, लेकिन उनके ऊपर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक हार्ड शेल बना होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से एक हार्ड शेल बना हुआ है उसे, उसकी जो अंदर की जो स्किन है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मोस्टली जो मोलस्क होते हैं वो लैंड पर रहते हैं, जैसे कि एक आप देख सकते हैं स्नेल हो गया, स्लग हो गए, ये सब वो लैंड पर रहते हैं राइट, और उसके बाद जो बाकी जो मोलस्क है वो पानी में रहते हैं, जैसे कि ऑयस्टर हो गए, मसल हो गए, क्लैम हो गए राइट, ऑक्टोपस ये सब इस तरह से। फिर आता है एक्नोडर्म्स, एक्नोडर्म्स क्या होते हैं, जो क्या है मराइन एनिमल्स होते हैं, मतलब वो पानी में रहते हैं राइट, सी वाटर में मराइन एनिमल्स हो जाते हैं, वो ओशंस में रहते हैं, और कुछ एक्नोडर्म्स हैं उनके उनके कुछ हाथ मतलब हाथ या ऐसे रहते हैं जहाँ यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं राइट, और उनकी स्पाइन भी होती है,
थोड़ी बहुत स्पाइन होती है जो कि रेडिएट फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ उनकी जो सेंटर होती है उसमें से वो निकलती है, इस तरह से बताया। ठीक है, फिर जो एक्नोडर्म्स हैं उनमें कुछ उनके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे सी अर्चिन हो गया, सैंड डॉलर हो गया, सी क्यूकम्बर हो गया, या फिर आप यहाँ पे इनको इन एग्जांपल्स को याद रख सकते हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, आपको याद रहे ज़्यादा टाइम तक। फिर आते हैं प्रोटोजोवा। प्रोटोजोवा क्या होते हैं? सिंपल सिंगल सेल्ड एनिमल्स। ठीक है, वो सिंगल सेल यूनिसेलुलर होते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, राइट, हमें दिखते भी नहीं। हमने बचपन में एमीवा पढ़ा होगा, पैरामीशियम पढ़ा होगा, यूजीना पढ़ा होगा, राइट, हमने 7th-8th स्टैंड में बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो ये एमीबा ये सब हमें दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, तो फिर ये सांस लेते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। ठीक है, मल्टी सेल जो एनिमल्स हैं उनकी तरह सांस लेते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं। एग्जाम्पल्स वही है, एमीबा, फ्लैजलेट्स, यूजीना। फिर आते हैं आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स का मतलब यही है जिनके जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, मतलब जिनके हाथ पैर जुड़े हुए होते हैं आपस में। ठीक है, तो आर्थ्रोपोड्स हैव लिम्स, यहाँ पे देखिए, हैव लिम्स दैट अलाउ देम टू मूव, लेकिन जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट होते हैं, जैसे यहाँ पे आप केकड़ा देख सकते हैं, राइट, तो दे हैव एग्जोस्केलेटन। ये एग्जोस्केलेटन क्या है? यहाँ पे देखिए, हार्ड सी जो शेल देख रहे हैं उसे एग्जोस्केलेटन बोलते हैं। ये काफ़ी हार्ड होती है ताकि उसके जो अंदर के पार्ट्स हैं उसे वो बचा सके, क्योंकि उनमें रीढ़ की हड्डी तो होती नहीं है ये सब। ठीक है, फिर बाद में अब आर्थ्रोपॉड्स में क्या आते हैं? क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स और अरैकनिड्स आते हैं, राइट, इसलिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन इस तरह से दिया गया। फिर हम देखते हैं क्रस्टेशियंस जो इसी के अंडर आते हैं, तो वो क्या करते हैं? मोस्टली ओशंस में रहते हैं, समुंदर में रहते हैं और इसी तरह के पानी में रहते हैं। उनके ऊपर, क्रस्टेशियंस के ऊपर हार्ड एग्जोस्केलेटन होता है, राइट, बहुत बड़ा स्केलेटन होता है, एग्जोस्केलेटन होता है। उसके बाद मोस्टली जो क्रस्टेशियंस हैं उनमें क्या आते हैं? केकड़े, क्रैब कहते हैं जिसे, लॉबस्टर कहते हैं, बर्नैकल्स कहते हैं। ठीक है, फिर आता है उसी के यहाँ पे देखिए क्या देखा था हमने, आर्थ्रोपॉड्स। अब आर्थ्रोपॉड्स में हमने देख लिया था पहले क्रस्टेशियन, अब हम देखेंगे इसी के अंडर आता है जो इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में भी एग्जोस्केलेटन होता है जो उनकी पूरी बॉडी को कवर करता है प्रोटेक्शन के लिए, राइट, तो एन इंसेक्ट कंसिस्ट ऑफ 3 body parts। तो एक किसी भी एक कीड़े मकोड़े में, इन्हें कीड़े मकोड़े कहते हैं ऑब्वियसली, तो इनमें 6 parts होते हैं, तीन बॉडी पार्ट्स होते हैं, छः जो उनके क्या है, हाथ पैर होते हैं और एक एंटेना होता है, राइट, आप कॉकरोच को याद रख सकते हैं। फिर इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए, बीटल, बटरफ्लाई, मॉथ, ड्रैगन फ्लाई, बी, वॉस्प, राइट, प्रेइंग मैंटिस, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फिर अब आते हैं एरेकनिड्स में, तो कॉमन एरेकनिड्स क्या हो गए? जो स्पाइडर, राइट, स्पाइडर हो गए, स्कॉर्पियंस हो गए, टिक्स, माइट्स। तो आपको कभी भी केकड़े को और स्कॉर्पियन को, बिच्छू को और आपको जो क्रैब है, राइट, केकड़े को मैं मतलब कंफ्यूज नहीं करना। केकड़ा आता है हमारा क्रस्टेशियन में, राइट, यहाँ पे देख सकते हैं आप, केकड़ा क्रस्टेशियंस में आता है और ये किस में आता है? जो स्कॉर्पियन है वो एरेकनिड्स में आता है, लेकिन दोनों किस में क्लासिफाई किए जाते हैं? राइट, यहाँ पे देखिए, दोनों क्लिस में क्लासिफाई किए जाते हैं, आर्थ्रोपॉड्स में। अब आगे बढ़ते हैं, तो इंसेक्ट यहाँ पे देखिए, अरैकनिड्स, तो उनके एंटीना नहीं होता है, उनके 2 body parts होते हैं, राइट, 4 pairs, राइट, 4 pairs ऑफ लेग्स होते हैं। तो देखिए, अब इस लेक्चर को अभी फ़िलहाल यहीं पे रखते हैं, part 2 के साथ जल्दी से मैं आती हूँ ताकि आपको मैं ये लेक्चर दे सकूँ। सो थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ पर देखने के लिए, कंटिन्यू करती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, राइट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वाई शायस को सब्सक्राइब कीजिए।